मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार न्यूज। शील फाटा के पास भयानक सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक शील फाटा के नजदीक बाइक सवार सुहेल अज्ञात गाड़ी के चपेट में आ गया और इसकी दर्दनाक मौत हो गई है। कुछ लोग जो सुहेल को जानते थे उन लोगों ने बताया है कि सुहेल शिवली नगर में रहता था और शील फाटा से अपनी मां को लाने जा रहा था। तभी शील फाटा सर्कल से थोड़ा सा पहले ही रोड पर काम चालू है, मगर उसके बाद भी वहां पर वर्क का कोई बोर्ड नहीं लगा है, सिर्फ बैरिकेडिंग की गई है और काफ़ी अंधेरा है। इसी वजह से बैरिकेडिंग से सुहेल टकरा गया और रोड पर गिर गया। एक गाड़ी सुहेल के ऊपर से चली गई। घटना स्थल पर ही सुहेल की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई, यहां पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जिसके बाद फिर यहाँ पर यातायात सुचारू रूप से शुरू किया गया है। हालांकि सुहेल को जो लोग जानते थे उन लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख वसीम एजाज है। वसीम भाई, ये जो इधर अभी हादसा हुआ है इस बच्चे का, ये किधर का रहने वाला था, इसका नाम क्या था? इसका पूरा नाम सुहेल है, खान है या शेख ये नहीं पता मुझे। ये बच्चा है छोटा सा, यहाँ अक्सर मिलने जुलने वाला बच्चा था और बहुत अच्छा लड़का था। और आज शाम में भी अपने दोस्तों के साथ उठा, वहाँ से जा रहा था अपनी अम्मी को लेवाने के लिए और यहाँ पे ये हादसा पेश आया। ये हादसा कैसे हुआ? हादसा ये प्रशासन की खुली लापरवाही है। जिस तरह से डिवाइडर शाम में कुछ रहेगा ही नहीं, सुबह में डिवाइडर हो जाएगा, दूसरे दिन रोड पे खड्डा हो जाएगा। अगर ये कंपनी, जो भी कंपनी ये कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है रोड बनाने का या जो भी है, प्रशासन को इतना ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कोई हाईलाइटर नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं है, कोई बताने वाला आगे कुछ भी, कोई मार्क नहीं लगा हुआ है कि आगे रोड खराब है, यहाँ पे लाइट भी नहीं है। तो अगर मैं सुबह में देख के जाऊँगा कि रोड यहाँ से खाली है तो जाहिर सी बात है शाम में वही अंदाज़ा रहेगा कि रोड खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। शाम में यहाँ पे प्रशासन द्वारा डिवाइडर लगा दिया जाएगा या रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो इंसान के जहन में ये बात थोड़ी रहेगी। मैं तो कहता हूँ ये सरासर प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। अगर प्रशासन चाहता तो ये हादसा नहीं होता, और आगे मजीद हादसा ना हो इस बात का ख्याल में रखते हुए यहाँ पे हाईलाइटर और लाइट वगैरह लगानी चाहिए। ये बच्चा सीधा आ रहा था और आने के बाद ये डिवाइडर से टकरा के गाड़ी के नीचे। डिवाइडर है ही नहीं यहाँ पे, नहीं ये मतलब ये बता रहे जो यहाँ पर ब्रिज का काम चल रहा है, जो लोखंड का इन लोगों ने ये प्लेट लगाई, पूरा लोखंड का देख सकते हो वहाँ पे घेर, इसमें टकरा के गिरा और इसमें कोई लाइट या वॉचमैन नहीं, कोई नहीं यार, वॉचमैन भी नहीं और आगे का रोड बना हुआ भी नहीं है, आगे रोड खराब है पूरा। रोड जो है वो पार्किंग इतना खराब है कि यहाँ पे अगर 10 लोग भी, सब रोड के साइड पार्क, आप लोग यहीं के रहने वाले हो, यहीं के आसपास के हो, आप लोगों के मुताबिक यहाँ पे हफ्ते में महीने में कितने हादसा होते हैं? एक्सीडेंट तो हरदम गिरते रहते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई गिरते रहेगा। अभी महीने पहले ये अभी तीन तीन ब्रेकर बन जाएगा, कभी ब्रेकर नहीं रहेगा, कभी कुछ नहीं रहेगा, रोड साइड पार्किंग का ब्रेकर आ जाएगा, रोड साइड पार्किंग है, आरटीओ वाली कुछ। अच्छा, अभी जिस गाड़ी से हुआ, कौन सी गाड़ी से हुआ, क्या पकड़ा गया या वो भाग गया? वो गाड़ी से हम लोग नहीं पकड़ा गया, हम लोग जब तक आए तो वो गाड़ी वाला निकल चुका था यहाँ से। अच्छा, सुहेल जो है आप लोग के दोस्त थे क्या? मतलब ये ट्रैफिक जो डिपार्टमेंट है इनके लोग सिर्फ आगे जंक्शन पे दिखाई देते हैं, हैदराबाद में लापरवाही है। यहाँ पे ये सब जितने कह रहे थे सबकी गाड़ी जो है रोड पे खड़ी है, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, जो सामने दुकान वालों का इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, मतलब इस सामान रखना वगैरह, इस वजह से काफी दिक्कत होती है। ये भी वजह है, लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेबल वगैरह रहते या रास्ता बताने वाला हाईलाइटर होता, ये सारी चीजें होती तो हादसा कम होते। ओके, जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे एक आदमी को बिठाना चाहिए या कांस्टेबल रखो। ये जो दुकान वाले बाहर सामान रखे हैं फुटपाथ पे, पूरा रोड घेरा जाता है, एक आदमी चाहिए यहाँ पे रहने के लिए, देखने के लिए। कोई भी गाड़ी सामने जा रही है उसको इशारा करे कि काम चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। मुंबई में जाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस से लेके यहाँ तक देख लीजिए, शिलफाटा तक कहीं कुछ नजर नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, और रोज इसी तरह ट्रैफिक रहती है, ना कोई हवलदार रहता है, ना यहाँ पे कोई नहीं रहता, मतलब लोग अपने भरोसे आ जा रहे हैं कहीं। भाई आप क्या ट्रैफिक खाली करवाने वाला है? चाहता हूं, मेरा नाम अब्दुल रहीम खान है, खान कंपाउंड के पास एक खड्डा है, कम से कम हमने पहले भी वो खबर चलाई, खुद का खड्डा है वो, हमने वो खबर पहले भी, 1.5 साल से वो खड्डा कभी जिंदगी में बंद नहीं हुआ है। उसके अंदर कभी रिक्शा गिरती है, कभी बाइक वाला गिरता है, तो कभी कोई गिरता है। कोई प्रशासन को किसी की नहीं पड़ी है, हम आम जनता है, हमारी खून की कोई वैल्यू नहीं है खाली रोड पे बहाने के लिए। आप टैक्स पे करो, आप सब कुछ दो, लेकिन रोड पे ही खून दो आप।
आपके लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं है।